अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन बन। और उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 500 ग्राम मैदा, 1/4 कप दूध, पानी हमें गूंदने के लिए जितना रिक्वायर्ड होगा, ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून, ऑलिव ऑयल नहीं है तो नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं, 1 अंडा, 1 पैकेट यीस्ट का हमें चाहिए होगा और ये 7 ग्राम है, 1 टीस्पून नमक और 1 ही टीस्पून हमें चीनी चाहिए होगी। अब हम जो अपनी डो है उसको सबसे पहले तैयार करते हैं। जो यहाँ मेरा दूध और पानी है वो नीम गर्म है। मैदा, अंडा, नमक, चीनी और यीस्ट को डालकर अच्छा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे और जो दूध है उसको भी डाल देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर कर साथ ऑयल डालकर हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और फिर जिस तरह हम नॉर्मल आटे को गूंदते हैं उसी तरह हम पानी के साथ इसको गूंदते जाएंगे। डो जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो, जब आपके हाथों के साथ चिपके नहीं तो तब हमारी डो तैयार है। डो हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि वो फूल जाए, और हमने इसको गर्म जगह पे रखना है। चिकन की स्टफिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 500 ग्राम चिकन है और ये चिकन का कीमा नहीं है, आप कीमा भी ले सकते हैं, मैंने इसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है। शिमला मिर्च है 2 से 3 टेबल स्पून और ये डिफरेंट 3 कलर की मेरे पास है, आपके पास 1 कलर की है तो वो भी काफ़ी होगी। 2 टेबल स्पून ऑलिव्स हैं, 1 पूरा ग्रीन प्याज है मेरे पास जिसको मैंने स्मॉल पीसेस में कट किया हुआ है, 1 छोटे साइज का प्याज है। मसालों में हमें चाहिए 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ऑरिगानो, 1/2 टीस्पून थाइम और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा। 2 टेबल स्पून जितना हम ऑयल डालेंगे और उसमें हम प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, कलर नहीं हमने देना, 1-2 मिनट सिर्फ उसको सॉफ्ट करना है। एक दो मिनट जब हमारा प्याज सॉफ्ट हो गया हमने उसमें चिकन डालना है और ये चिकन जो है बहुत इतना मैंने बारीक इसको पीसेस में किया हुआ है और ये ज़ाहिर है ब्रेस्ट चिकन ब्रेस्ट है और ये बहुत जल्दी डन हो जाएगा। तो हमने ये सारा जो प्रोसेस है ये फुल हीट में हम कर रहे हैं और साथ ही मैं इसमें सारे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी। और यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस वो भी ऐड करूंगी जो शुरू में मैं नहीं बता सकी। समटाइम कोई चीज़ मिस हो जाती है लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं डालूंगी। पाँच से 6 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को करते हुए क्योंकि चिकन ज़ाहिर है वो बहुत जल्दी डन हो जाएगा। फुल फ्लेम में इसलिए कर रहे हैं ताकि चिकन जो है, जो चिकन का अपना पानी छोड़ता है वो फटाफट हमारा जो है वो ख़त्म हो। और यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद किया है जब चिकन हमारा डन हो गया है और यहाँ पे सारी सब्जियाँ डालकर इसको हम मिक्स करेंगे। सब्जियों को हमने पकाना नहीं है क्योंकि जब हमने इसको बेक करना है तो तब भी सब्जियाँ जो है वो डन जाएगी। अगर अभी हम इसको डन कर देंगे तो वो बेक होते हुए बिल्कुल ही उनका क्रंच नहीं रहेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर मैं 2 से 3 जो स्लाइस हैं चेडर चीज़ के वो भी ऐड करूँगी क्योंकि हमने इस मिक्सचर को, हमें कोई बाइंडिंग वाली चीज़ चाहिए तो वो हमने चीज़ डाली है जिससे ये सारा जो मिक्सचर है वो इकट्ठा बाइंड हो जाएगा। जब हम अपनी वो बॉल बनाएंगे और इसमें डालेंगे तो वो बिखरेगा नहीं। चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है क्योंकि मिक्सचर हमारा सारा गर्म था, यहाँ पर चूल्हा मेरा बंद है, मिक्सचर वो इतना गर्म था, चीज़ मेल्ट हो गई है।
1 से 2 घंटे के बाद हमारी जो डो थी वो छिहासी राइस हो गई थी, और उसको मैंने हाथ की मदद से थोड़ा सा मिक्स किया था ताकि जो भी एक्स्ट्रा हवा है वो निकल जाए, और मैंने उसके छोटे बॉल बना लिए। बॉल जो है वो आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बेक होकर फूलना भी है। तो चिकन का जो मिक्सचर था वो ठंडा हो गया है, और कुछ मेरे पास तिल हैं, कुछ वाइट, कुछ ब्लैक, और एक अदद अंडा है जो हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे ताकि हमारे जो बन है उनका कलर बहुत अच्छा आए। अब हम इसको फाइनल लुक पे आते हैं। जो बॉल्स हैं उनको मैंने कवर करके रखा हुआ है। जब डो को हमने गूंद कर उसको 1-2 घंटे का रेस्ट देना है कि वो फूले, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डो को मुकम्मल आपने कवर करके रखना है, अच्छी तरह उसको बंद करके रखना है ताकि उसके अंदर कोई किसी भी तरह की हवा ना जाए, क्योंकि फिर डो जो है वो आपकी फूलेगी नहीं, और उसको आपने किसी गर्म जगह पे ही रखना है। ये छोटा बॉल बनाकर अब आप फिलिंग ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो आप डाल सकते हैं। लेकिन ये जो हम बेल रहे हैं इसको, ये जो बन का हम ये शेप दे रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, क्योंकि इसने फूलना है, और अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो ये जो डो है वो फट जाएगी। तो उसके मुताबिक ही, उसके साइज़ के मुताबिक ही हमने जो चिकन का जो मटेरियल है वो डालना है। अगर यहाँ पर एंड पे बहुत ज़्यादा डो है तो आप उसको थोड़ा सा काट लें, अगर ज़्यादा नहीं है तो उसको अंदर की तरफ ही कर लें, एक पेड़ा बना लें उसका। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। 500 ग्राम जो मेरे पास डो थी उससे मेरे 12 जो है ये चिकन बन बन गए हैं, और इसको आप जो है वो पतीली में भी, जिनके पास ओवन नहीं है वो बना सकते हैं। इनशाला मैं किसी दिन आपको उसमें भी बनाकर दिखाऊंगी। बस उसका ओवन में ये फायदा हो जाता है कि एट अ टाइम ज्यादा चीज बन जाती है और उसमें जरा कम चीज बनती है। ये देखें, ये सारे मेरे बन तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें अंडा जो है वो लगाऊंगी ताकि इसमें जो कलर है वो बहुत प्यारा इसका आए। अगर तो आप पैन में बना रहे हैं, मतलब ओवन में नहीं कर रहे, तो उसके कलर में टेस्ट जो है वो दोनों में ज़बरदस्त सेम आएगा। उसकी सॉफ्ट जो बन का जायका है सॉफ्ट, वो सेम होगा, सिर्फ कलर जो है वो थोड़ा सा कम होगा। मैं इसके ऊपर तेल लगाती जाऊंगी। ये सारे चिकन बन ओवन में जाने के लिए अब तैयार हैं, और इसको मैं 170 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक करूंगी। और 25 से 30 मिनट के बाद ये देखें, मज़ेदार से हमारे जो चिकन बन हैं वो तैयार हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर जो न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।